गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। यस्टरडे वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.15, आपके रूप में जो फिगर बना हुआ है 6.15, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो जब भी हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, एंगल का नेमिंग कर देते हैं। तो मैं फिर से एंगल का नेमिंग कर देता हूं, इसको नाम देता हूं एंगल 1, इसको नाम दे देता हूं एंगल 2, इसको नाम देता हूं एंगल 3 और इसको नाम दे देता हूं एंगल 4। ये जो आउटर बन रहा है उसको नाम दे दिया एंगल 1, जो अंदर की ओर बन रहा है उसको दे दिया एंगल 2, इधर की ओर जो अंदर की ओर बन रहा है उसका नाम दिया एंगल 3 और जो बाहर की ओर बन रहा है उसका नाम दिया एंगल 4। ओके, लीनियर पे रेंजिंग लगाएंगे इसमें भी। तो जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन मींस जो दिया गया है, पहले क्या दिया गया, PQR यानी PQR एंगल 2 इज इक्वल टू PRQ यानी एंगल 3। ओके, इस तरीके से देखना है, जो भी बीच वाला लेटर होता है वो आपको देखना है, बीच वाला लेटर PQR। ओके, तो बीच वाला लेटर क्यू आया, अंदर की ओर बन रहा है तो ये एंगल 2 इज इक्वल टू PRQ, आर की जगह क्या एंगल 3, एंगल 3। ओके, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल PQS, ओके, जो बाहर की ओर जा रहा है एंगल 1, वो किसके इक्वल होगा, PRT एंगल 4 के इक्वल होगा। ओके, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 रखी और यहाँ पर 2 की वैल्यू हमने 1 रखी, क्यों रखी, अकॉर्डिंग टू जिस सिचुएशन में एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग PQR अंदर क्या बन रहा है, देखो PQR अंदर क्या बन रहा है तो एंगल 2 लिया, PRQ किसके इक्वल है, PRQ तो बीच वाले लेटर के आ रहा है तो वो भी अंदर क्या बन रहा है तो एंगल 3 लिया। क्या प्रूफ करना है, PQS ये आउटर की ओर एंगल बन रहा है, आउटर में क्या बन रहा है एंगल 1, वो किसके इक्वल होगा, PRT एंगल 4 के इक्वल होगा। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आउटर एंगल और इनर एंगल का, सिंस ST इज ए स्ट्रेट लाइन, ST क्या है स्ट्रेट लाइन बन रही है, सिंस ST इज ए स्ट्रेट लाइन सो सिंस ST इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे क्यूपी, पहले ले लेते रे, कौन सी क्यूपी स्टैंड्स ऑन हिम, स्टैंड्स ऑन लाइन, स्टैंड्स यानी कि है ऑन लाइन, किस तरीके से फिगर बनेगा, एक लाइन स्ट्रेट है इस तरीके से, एस की लाइन है, ओके, उस पर ये रे है, उस पर एंगल कौन कौन से बन रहा है, एक एंगल 1 और एक एंगल 2 बन रहा है। देखो मैंने क्या किया, लीनियर पे रेंजिंग लगाऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन ये लूंगा और एक रे ये लूंगा, दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा वापस स्ट्रेट लाइन ये लूंगा और एक रे ये लूंगा, है ना। तो पहले क्या किया, एस टी एक स्ट्रेट लाइन, एस टी स्ट्रेट लाइन है, उस पर कौन सी ये है, एक रे, रे यानी कि एक एंड पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, वहां से इंक्रीज हो रही है, ये हो गई रे। ओके, तो इस पर मैं लीनियर वेव लगा देता हूं, लीनियर वेव क्या होता है, एंगल जो भी एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल का एडिशन 180 होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ओके, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। नेक्स्ट ध्यान रखिए, तो इसको इक्वेशन आप मान लेना, सेकंड सिंस एस की जे स्ट्रेट
एंड रे आरपी स्टैंड्स ऑन दिस लाइन सो बाय लीनियर पेयर एक्सो लगाते हैं। अब की लाइन कौन सी थी? एसटी लाइन थी। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, पीछे की ओर बना देता हूँ। एसटी लाइन थी, उस पर रे क्या है? उस पर ये है आरपी। एसटी लाइन थी, उस पर ये क्या है? आरपी। ओके, पहले थी यूपी, अबे आरपी। तो और इस पर एंगल कौन सा बना? एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4। तो सो बाय लीनियर पेयर एक्शन कोई एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, जो आपको फिगर दिया हुआ था, इस लाइन को लिया और इस रे को लिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 180 के बराबर आ गए, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर ये लाइन भी, क्योंकि लाइन इस और इस रे दोनों रे के लिए कॉमन है, एसपी लाइन और ये रे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? 180 के इक्वल। अब इक्वेशन 1 और 2 से बराबर करने पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से 1 क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों को क्या कर लिया? इक्वल कर दिया। अंडरस्टूड? क्योंकि ये 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, यानी कि अगर ये 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों के आपस में क्या होंगे? इक्वल में होंगे। अंडरस्टूड? किस तरीके से? लाइक दैट 2 प्लस 2 4 हुआ और 3 प्लस 1 भी 4 हुआ, तो ये दोनों 4 इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल में हो रहे हैं ना। देख लो, 2 और 2 4 हो रहा है और 3 और 1 भी 4 हो रहा है। तो अगर फिर भी आपको ध्यान दे रहे हैं, तो अगर उनके एक साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो उनके दूसरे साइड भी आपस में इक्वल्स में होंगे। तो इसी तरीके से क्या, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल में होगा। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। तो आप देख सकते हो, पुट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि जहां पे एंगल 2 दिख रहा है वहां पे आपको एंगल 3 लेना है। ओके, इसको आगे कर देता हूं। तो एंगल 1 प्लस जहां पे आपको एंगल 2 दिख रहा है वहां पे क्या लेना है? एंगल 3। एंगल 3 ले लिया, एंगल 3 बराबर एंगल 3 है ये प्लस एंगल 4। मैंने क्या किया, यहां पे लिया, दिया था ना क्वेश्चन में कि एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो मैंने जहां पे 2 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह 3 लिख दे, तो 3 लिख दिया। 3 तो 3 ही रहेगा, बिकॉज आपको ओनली एंगल 2 की जगह 3 लिखना है, एंगल 2 की जगह 3 लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या होता है? एंगल 1 बराबर एंगल 4। तो जो हमको प्रूव करना था, एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्रूव करना था। ओके, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो गया। और अब इसका वापस नाम देते हैं, एंगल 1 को आपने क्या बोला था? PQS। सो एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PRT। ओके, हेंस प्रूव। इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Now student, moving on question number 4. Question number 4 is, if figure 6.16, एक figure दिया गया आपको 6.16, okay? If x plus y बराबर w plus z, अगर x plus y बराबर क्या है? W plus z है, then prove that AOB is a line. AOB is a line. तो वही हमारा जो हम पहले लिखते हैं, given x plus y equal to w plus z, क्वेश्चन में दिया गया है। और प्रूफ क्या करना है हमको? हमको प्रूफ करना है AOB is a straight line, AOB
इसके लिए फॉर दैट वी हैव टू प्रूव हमको प्रूव करना पड़ेगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री और एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। ओके, किस तरीके से करेंगे? ये गिवन में आ गया एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड और प्रूव करना है कि एओबी ये जो लाइन है एओबी वो क्या एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक आपने लीनियर पर एक्सियम पढ़ा था, लीनियर पर एक्सियम में क्या पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर जो एक ही साइड पर जो एंगल्स बनते हैं उनका एडिशन कितना होता है 180। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल x प्लस एंगल y 180 के इक्वल है, या तो ये प्रूव करो या एंगल w प्लस एंगल z 180 के इक्वल है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो ये 180 और ये 180 के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इस पर जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन होगी। इसका रिवर्स अंडरस्टूड, ये लीनियर पेयर एक्सियम का रिवर्स है। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है, एक लाइन है स्ट्रेट तो उस पर दो एंगल बनते हैं उनका 180 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एंगल है 180 अगर ये 180 प्रूफ हो जाता है तो हम बोलेंगे कि एओबी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा या तो ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए आपको जो उस पर एंगल्स बन रहे हैं वो 180 के इक्वल के इक्वल के बराबर लाना, उसके बराबर लाना। जैसे कि ये अब जैसे कि एक लाइन है एबी, एक तरफ तो बन रहा है x plus y, तो मैंने वही इक्वेशन किया x plus y एंगल x plus y 180 और दूसरी तरफ एंगल w plus एंगल z बराबर 180। ओके, अब इसको आगे करते हैं। We know that हम जानते हैं कि we know that the value of we know that the value of complete angle is 360 degree। हम जानते हैं कि complete angle की value किसके बराबर होती है 360 degree। complete angle मतलब पूरा एक circle बन रहा है तब उस पर जितने भी एंगल बन रहे हैं उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री। आपने पढ़ा होगा जैसे घड़ी के एक नीडल है वो पूरा घूम के आती है तो कितने का एंगल बनाती है 360, यानी कि अगर ये पूरा सर्कल लगा है, ओके यहाँ से स्टार्ट किया सपोज इट और ये पूरा गोल घूम रहा है तो किसके इक्वल होगा 360, यानी कि इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं उनका एडिशन कितना होगा 360 के इक्वल होगा। तो वही लिख देता हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z बराबर 360 डिग्री। ओके, बाय द कंप्लीट एंगल मैंने लिखा ना, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, 360 के इक्वल होता है। और यहां से यहां तक जितने भी एंगल्स बन रहे हैं x प्लस y प्लस w प्लस z कैसे बोल दो है ना, तो उसका एडिशन 360 डिग्री होगा। हमको तो प्रूव करना है कि 180 लाना है, तो हमने क्या बोला, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। ओके, इक्वेशन वन मान लो और इक्वेशन टू, अंडरस्टूड। अब क्या करते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी अगर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की जगह मैं एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड भी तो लिख सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की जगह क्या लिख देता हूं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की जगह वी पुट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल z। तो यहां पर भी x और y के प्लस के लिए w और z है, w प्लस z प्लस एंगल w प्लस एंगल z बराबर 360 डिग्री। ओके, मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर में, क्यों, क्योंकि इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। तो मैंने क्या किया, जहां पे भी x प्लस y था उसकी जगह मैं w प्लस z लिख दिया, तो ये कितने हो गए एक और एक दो, दो एंगल w है ना, और ये एक और ये दो, तो दो एंगल z बराबर 360 डिग्री। ओके, दो कॉमन आ गया,
प्लस एंगल जेड बराबर 360 डिग्री, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड बराबर 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 जो कि प्रूव हो गया। ओके, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड 180 के प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर लिया। सिंस एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड मेक्स लीनियर पेयर बना रहे लीनियर पेयर। ओके, बना रहे कि नहीं बना रहे? एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड 180 यानी कि 180 कब होगा? जब वो लीनियर पेयर हो, क्योंकि लीनियर पेयर एक्चुअली यही कहता है कि जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो 180 के इक्वल होंगे। तो हम यहां पे बोल सकते हैं सिंस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड मेक्स लीनियर पेयर देयरफॉर AOB is a straight line. AOB क्या होगा? Straight line. Okay, ये प्रूव हो गया। स्ट्रेट लाइन के लिए ये तो प्रूव करना था कि वो एंगल का एडिशन 180 के इक्वल हो। तो 180 के इक्वल है लीनियर पर बना रहे और लीनियर पे बना रहे मींस वहां पर